लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में क्या आम क्या खास, हर कोई मतदान को लेकर उत्साह से सराबोर दिखा। बिहार से लेकर यूपी तक, पंजाब से लेकर बंगाल तक वीवीआईपी वोटर्स का तांता भी लगा रहा। जलपान से पहले मतदान का संदेश देने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट देने से पहले अपने कर्म क्षेत्र गोरखपुर में सुबह सुबह पहले पूजा अर्चना की, गोरखनाथ मंदिर में आरती उतारी और फिर मंदिर परिसर स्थित गौशाला पहुंच गए, गायों को गुड़ चना खिलाया और फिर मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। योगी ने दावा किया कि बीजेपी यूपी में 74 और देश में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 300 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी। एनडीए पूरे देश के अंदर 400 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 74 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पटना में राजभवन के एक स्कूल में उन्होंने वोट डाला। 7 चरणों में हुए इस चुनाव से नीतीश खुश नहीं दिखे और कम चरणों में चुनाव कराने की वकालत की। ज्यादा गर्मी में ये इतना लंबा चुनाव का अभियान चलना ये उपयुक्त नहीं है। ये जरूर अपने देश में या तो फरवरी मार्च या अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होना चाहिए और इतने चरण में चुनाव नहीं होना चाहिए, कम से कम चरण में चुनाव होना चाहिए ताकि लोगों को भी सुविधा हो। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने पटना के बूथ नंबर 49 पर वोट डाला। लगे हाथ सुशील मोदी ने बिहार में महागठबंधन का खाता नहीं खुलने का दावा किया। 3 दिन बचा है काउंटिंग के अंदर, अब देख लीजिएगा। मैं तो पहले भी कहा मैंने 2014 से ज्यादा बड़ी लहर 2019 के अंदर है और बिहार के अंदर जो महागठबंधन उसका खाता भी नहीं खुलेगा। पटना सिटी से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी वोट डाला। अपनी 88 साल की मां के साथ वोट डालने के लिए रविशंकर पटना विमेंस कॉलेज में स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। मुद्दे हैं स्थायित्व के, मजबूत देश के, विकसित भारत के। कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? मुझे अपनी जीत के बारे में कभी संदेह नहीं रहा। देश में बदलाव होगा, ऊर्जा के साथ मोदी जी की अगुवाई में देश और आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री और गाजीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सिन्हा ने अपने संसदीय क्षेत्र में मतदान किया। मनोज सिन्हा ने लोगों से वोट देने की अपील की और फिर से अपनी जीत का दावा किया। सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र का ये महापर्व है, इससे देश का निर्माण हो सकता है। तो मेरा आग्रह होगा कि सब लोग अपना मतदान करें। मुझे कहीं टक्कर नहीं दिखाई दे पा। मैंने कहा कि जाति और दलित दीवारें सब टूट गई हैं। कोलकाता के सिटी कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने मतदान किया। चंद्र कुमार बोस को बीजेपी ने साउथ कोलकाता लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। कोलकाता नॉर्थ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राहुल सिन्हा ने जादवपुर में मतदान किया। राहुल सिन्हा ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया और बीजेपी की बंपर जीत का दावा किया। अभी ऐसा हालत है जो सोच लिया हो हार जाएंगे और हार जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कर रहा है। बार बार कॉम्प्लेन करना, उल्टा सीधा बोलना, ये उनका आदत बन गया। लेकिन मैं समझता हूँ जनता इस बार उनको भारी वोटों से परास्त करने वाली है। बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने गृह क्षेत्र इंदौर में मतदान किया। कैलाश विजयवर्गीय परिवार के सदस्यों के साथ वोट देने पहुंचे थे। भले ही विजयवर्गीय एमपी में वोट दे रहे थे लेकिन उनकी नजर बंगाल पर ही थी। ममता जी ने पूरा की पूरा राज्य गुंडों के हवाले कर दिया है और इसलिए जनता वहाँ पर इस गुंडा तंत्र को हटाना चाहती है, प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय ने भी वोट डाला। पिछले चुनाव में मोदी के सामने अजय राय की जमानत जब्त हो गई थी लेकिन इस बार उन्होंने दावा किया कि काशी के बेटे को जनता चुनेगी। स्थितियां सामने हैं, बहुत लोगों ने देख लिया, बड़ी बड़ी बात, बड़े बड़े वादे, गुजरात मॉडल, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख
और सब कुछ बदल जाएगा, भ्रष्टाचार, महंगाई, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, मतलब ख़त्म नहीं तो कम भी तो हो जाए, कुछ हुआ नहीं, और चीज़ें बढ़ती चली गई। तो जहाँ तक मेरी जहाँ तक सोच है कि आज काशी के लोग वो काशी के पुत्र और काशी के बेटे को अपना वोट देंगे, अपने परिवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी पवन कुमार बंसल ने परिवार के साथ वोट डाला। पिछली बार वो बीजेपी प्रत्याशी और एक्ट्रेस किरण खेर से हार गए थे और इस बार भी इन दोनों के बीच मुकाबला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी ने लुधियाना में मतदान किया। मनीष तिवारी ने दावा किया कि पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। पंजाब के जालंधर जिले के गढ़ी गांव में वो वोट डालने पहुंचे। हरभजन सिंह ने भी सभी लोगों से मतदान करने की अपील भी की। बढ़िया सरकार आए जो कि लोका निगम कर। हरभजन सिंह के मुद्दे की ने? मेरे मुद्दे ही एक सफाई होनी चाहिए हर शहर दे विच और हर बच्चे लिए अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। सातवें चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव का समापन हो जाएगा। अब इंतजार 23 मई का है, जब पता चलेगा कि देश पर किसका राज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।